इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। भास्कर डेली करंट अफेयर्स की उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। आज का इतिहास, 4 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। कैरियर कॉर्नर, सरकारी विभागों में निकली भर्तियां, आवेदन का मौका। न्यूज 18 रीट मेंस रिजल्ट 2023, राजस्थान में रीट से होगी 48,000 पदों पर भर्ती, रिजल्ट के बाद शुरू होगी प्रक्रिया, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। अंग्रेजी माध्यम को ही क्यों माना योग्य, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्रिका न्यूज। रीट और अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर, महात्मा गांधी स्कूलों में सहायक अध्यापक संविदा भर्ती 2023, केवल इंग्लिश मीडियम से पास अभ्यर्थी कैसे पात्र, हाईकोर्ट। भास्कर न्यूज, राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक संविदा भर्ती 2023 में केवल इंग्लिश मीडियम से पास अभ्यर्थियों को ही पात्र मानने पर शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। अदालत ने इनसे पूछा कि ये अभ्यर्थी पात्र कैसे हैं। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश मयंक कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। पात्र माना जा रहा जो इंग्लिश मीडियम से पास हुए। याचिका में कहा कि प्रार्थी हिंदी से स्नातक है और उसके पास वैकल्पिक विषय के तौर पर इंग्लिश रही है। उसने बीएड और रीट भी इंग्लिश से किया है, लेकिन उसे भर्ती में पात्र नहीं मान रहे हैं। तीसरा चयन वर्ष समाप्त, फिर भी वरिष्ठ अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड के पद खाली, तलवाड़ा। भास्कर न्यूज, नवज्योति स्पेशल न्यूज, नए शिक्षा नियमों में संशोधन से रुकी वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति। जयपुर स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड के 26,000 पद खाली। वरिष्ठ अध्यापक कल ब्लॉग पर देंगे ज्ञापन, राजस्थान पत्रिका न्यूज। सीकर सेकंड ग्रेड, लिपिक ग्रेड 2 व कनिष्ठ सहायक भर्ती एलडीसी 2023 में कुल लगभग 6,000 पद होंगे, नॉन टीएसपी के 5,000 और टीएसपी के 1,000 पद। कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जारी होगी विज्ञप्ति। भर्ती नियमों की अनदेखी करने का आरोप, एनटीटी भर्ती मामला, हनुमानगढ़। आरपीएससी कॉर्नर सब इंस्पेक्टर के छठे चरण के साक्षात्कार आज से, आरपीएससी अजमेर। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022, 4617 कैंडिडेट्स को मिलेगा अपनी पसंद का जिला, बीडी कल्ला। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 6552 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन, 11 से 13 अप्रैल तक काउंसलिंग से मिलेगी पोस्टिंग, बीकानेर। भास्कर न्यूज, समान पात्रता परीक्षा में आज रात तक दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्ति, सीईटी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। कोविड काल में चुस्ती, अगले साल सुस्ती, सत्र 2021-22 में सबसे कम 4095 अभ्यर्थियों का चयन, आरपीएससी भर्तियां। आरपीएससी की ओर से हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, लेकिन बीते 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 17
2021-22 में सबसे कम 4095 अभ्यर्थियों को ही रोजगार मिला है। अब विभिन्न भर्तियों की लिस्ट है। एसआई परीक्षा, अजमेर, युवा शिक्षा, अवसर न्यूज, आयोग की एकमात्र भर्ती जो 2019 से अब तक पूरी नहीं हो पाई, विधानसभा में भी उठ चुका है मामला, आरपीएससी, इग्नू 55% छात्राओं को मिली डिग्री, 50% छात्र ग्रामीण क्षेत्र से। बीकानेर, युवा शिक्षा, अवसर, लोके अभ्यर्थी अब 10 अप्रैल तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म, अंतिम तिथि में 6 दिन की बढ़ोतरी। पांचवी बोर्ड परीक्षा 13 अप्रैल से होगी पेपर वितरण शुरू। जोधपुर, युवा शिक्षा, अवसर न्यूज, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में रोजगार के मिलेंगे कई अवसर, नए सत्र में शुरू होगा स्पेशल बीएड कोर्स, निजी संस्थान के साथ एमओयू, जल्द होगा निरीक्षण। पीटीटी के लिए आवेदन कल तक। कोटा, युवा शिक्षा, अवसर, जेडब्ल्यू के एडमिट कार्ड जारी, दुनिया में 230 केंद्रों पर परीक्षा 6 अप्रैल से। आरपीएससी 10वीं बोर्ड की गणित का पेपर आज, 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एमजीएसयू की परीक्षा 6 अप्रैल से, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम से मुगल साम्राज्य का इतिहास हटाया, सीबीएसई सहित कई राज्य बोर्ड में होगा लागू, नई दिल्ली। जिला समान परीक्षा 2 पारियों में होगी परीक्षाएं, 27 अप्रैल को अंतिम पेपर होगा। शिक्षा की खबर, सब्जेक्ट टीचर की कमी से अब नहीं रुकेगा कोर्स, स्कूलों में करवाएंगे ऑनलाइन पढ़ाई, सिरोही। आईआरटी में अब 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। सीबीएसई 12वीं का कल अंतिम पर्चा, अजमेर, बच्चों को निःशुल्क प्रवेश तो देंगे लेकिन फीस कौन भरेगा। नवज्योति, राजस्थान विश्वविद्यालय ने बदली परीक्षाओं की तिथियां। नवज्योति जयपुर, खुशखबरी, महाराज शेखाजी सैन्य अकादमी में प्रवेश जुलाई से, सीकर। 15 से 27 अप्रैल तक होगी कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षाएं, राजस्थान हाईकोर्ट आदेश में हस्तक्षेप से इनकार, बच्चे स्कूल में माता पिता बूढ़े, तबादला रोकने का आधार नहीं, राजस्थान पत्रिका, जोधपुर हाईकोर्ट। 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से, राजस्थान पत्रिका, बाड़मेर। कैसे हो मॉनिटरिंग, अतिरिक्त प्रभार व शिक्षकों के भरोसे समाज कल्याण विभाग के छात्रावास, राजस्थान पत्रिका, सीणधरी। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, अलवर। यूजी के 2.80 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 6 अप्रैल से, एडमिट कार्ड जारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। इंडियन रेलवे में निकली वैकेंसी, 28 साल तक के उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई, नई दिल्ली। जेडब्ल्यू सेशन 2 परीक्षा, बेहतर रिजल्ट के लिए समझे एग्जाम पैटर्न, नवज्योति न्यूज़।